अपन पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया साहब, आइए अब आज अपन चर्चा करते हैं पावर एंड एनर्जी। बात नहीं, पावर एंड बहुत बेसिक बेसिस ही पहले बातें कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बात यहाँ कर पाऊंगा, कुछ यहाँ नहीं कर पाऊंगा, बल्कि काफी सारी यहाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसकी काफी सारी चर्चा आएगी जब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ेंगे आपको बताओ तो, दो टाइप के करंट हम पढ़ते हैं, डीसी और एक AC। हम दो टाइप के करंट पढ़ते हैं, डीसी और एक एसी। अगर मैं यहाँ से बहुत बेसिक बेसिस बात करूं तो जैसे ये कोई करंट और टाइम का ग्राफ है, ये कैसा करंट है? मान लो ऐसे, वैसे इस तरह की शुरुआत हम करंट जब एसी पढ़ाते तो करते, मैं वो बेसिक बेसिक चीजों से रूबरू करा रहा हूँ यार, ध्यान समझे, रूबरू समझते सब लोग। तो चलो ना क्या है, दो बार ना क्या है, पागल है क्या? दो चीटे को दो बार नाना नहीं कहते? हाँ चलो ना क्या है, ब्रश पॉटी एक्सरसाइज है। मेरा 30 डेज चैलेंज चल रहा है ना, पर आज मैं उसमें बहुत खुश हुआ, आज उसमें छठा दिन था 30 डे चैलेंज में, आज जब छठा दिन था तो जैसे मैंने उसमें अपने खोला तो उसमें लिखाया आज रेस्ट डे है, चला जा। अच्छा मुझे ब्लू व्हेल का गेम खेलना चाहिए है ना, तो मुझे मोटिवेट कर रहे हो है ना, मैं ऐसे मोटिवेट। डीसी और एसी, ये कैसा करंट है? ये एसी, ये कैसा एसी? एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है बेसिकली जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, जो पॉजिटिव भी हो और करंट ऐसे कभी ऐसे, उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ये इसमें क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, वही है, तो दोनों डीसी कहलाते हैं। ऐसे समझ लो डीसी, डीसी का मतलब कॉन्स्टेंट करंट नहीं होता, पहली बात, डीसी का मतलब कॉन्स्टेंट करंट होना जरूरी नहीं। डीसी मीन्स वो करंट कैशियर। अच्छा ये तो ए स्टार वाला है, क्लास था जिसमें इसी में जुड़ना चाहिए, 10-10 कर लेते हैं। अरे अच्छा तुम लोग मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे, हमारे 10 रुपए मार लिए गए है, पढ़ लें। तो ये एसी और ये डीसी, तो डीसी का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्स्टेंट करंट, डीसी का मतलब ये होता है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज, डीसी का मतलब नो डायरेक्शन चेंज, डीसी का मतलब नो डायरेक्शन चेंज। और अगर अपन एसी की बात करें तो फिर डायरेक्शन चेंज। एसी अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बाद, मैग्नेटिज्म और ईएमआई के बाद ऑल्टरनेटिंग करंट का नंबर आएगा तब, और इसमें एसी का मतलब डायरेक्शन चेंज। तो इस तरह के करंट को अपन ऐसे बोलते हैं। अपने दो तरह के सोर्सेज भी होते हैं जिन्हें अपन एसी और डीसी सोर्सेज कहते हैं। जो अपने सोर्सेज होते हैं वो एसी और डीसी कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो सोर्सेज आपके होते हैं वो एसी और डीसी। अच्छा अगर अपन बात करें सोर्सेज में, डीसी जो सप्लाई होती है, अपनी जो बैटरी होती है जो इस माइक में लगी हुई है, कारों की बैटरी, ये सब डीसी सोर्स की सप्लाई होती है, उनको अपन ऐसे बनाते हैं प्लस और माइनस। जनरली कॉन्स्टेंट वोल्टेज की होती है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो एसी सोर्सेज होते हैं उसका प्लस और माइनस एक तरफ होता है कि अलग अलग? अरे करंट कभी ऐसे घूम रहा है, कभी ऐसे घूम रहा है यार, हाँ ना बोल, तो करंट तो घूमता रहता है, तो प्लस एक तरफ हो या कोई जरूरी नहीं।
तो उसको दिखाने का तरीका होता है ऐसा, एलिप्स बनाओ सांप लेटा दो, ये एसी सोर्सेस को दिखाने का तरीका है। हमारे घरों में सप्लाई कैसे आती है? एसी। तो इस पर चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा, एसी पूरा चैप्टर ही आपका अलग है। एसी कैसे जनरेट होती है, उसकी इक्वेशन होती है नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप्स, विच विल अगेन थोड़ा बहुत रिप्लिकेट होगा एसएचएम टाइप्स। तो अपन जब ईएमआई पढ़ेंगे तो अपन पता आपका पड़ेगा आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग, जब एक लूप को घुमाया जाता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, जिसे अपन टर्बाइंस वगैरह जानते हैं, वो बाद में आप समझोगे उस बात को। तो उस पर अपन चर्चा करेंगे, अभी अपन इसमें कोई खास चर्चा कर नहीं रहे अपन एसी में। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, घरों में सप्लाई कैसी है? एसी। घरों में सप्लाई कैसी है? एसी। घरों में सप्लाई है एसी। कैसी है? एसी। हमारे घरों में सप्लाई है एसी। क्या है? एसी। हमारे घरों में सप्लाई आती है ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सी आती है? उनमें ट्रांसफार्मर्स यूज कर जाते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन बहुत सारी बातें। घरों में सप्लाई आती है एसी। एसी की एक चीज होती है जिसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, वो छोड़ दो तुम्हारे, समझो। घरों में जो सप्लाई आती है एसी, कितने सप्लाई में आती है? 220 वोल्ट। क्या चीज? हमारे घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट। अभी ऐसा समझो आप, अभी ऐसा समझो कि एसी जो सप्लाई होती है हमारे घरों में वो कुछ इस प्रकार की होती है, घरों वाली ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप। तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी भी होती है कि वो एक सेकंड में कितनी साइकिल कर रही है? हमारे घरों में जो होती है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो आप ट्यूबलाइट देख रहे हो ये एक सेकंड में 100 बार गुजरी है, 100 बार जल रही है एक सेकंड में। ऐसे मत देखो, आज तक नहीं दिखाई दी तो अभी भी नहीं दिखेगी। एक सेकंड में 100 बार बुझ रही और 100 बार जल रही है, ऐसी हमारे घरों में सप्लाई आती है एसी। कौन सी आती है? एसी। एसी सप्लाई आती है घरों में, एसी सप्लाई आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। अब अगर अपन बात करें तो हमें अभी किसकी बात करनी है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की डीसी की? मैं आपको सिर्फ इतनी अभी समझाना चाह रहा हूँ कि इस पर अपन बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। घरों में सप्लाई जो आती है ऑल्टरनेटिंग करंट, वास्तविकता में ऑल्टरनेटिंग करंट एक ईएमआई चैप्टर का एक अच्छा सवाल है, पर उसे पूरे चैप्टर के नाम से इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई एसी आती है और हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में उससे नाता है, इसलिए 3-4 लेक्चर उसको पूरा अलग से पढ़ाया जाएगा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को। उस पर भी अपन कोई इसको यहीं पर रोक रहे हैं। अरे यार हाँ ना बोल, इसको यहीं पर रोक रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन खत्म हो गया। जो आप पढ़ रहे हो एनर्जी और पावर के वहां पे फिर आएगा, पर हो सकता है कुछ बातें तुम्हें वहां पे ही आके समझ में आए। अभी समझ तो जहां मैं बोलूं उसे समझ लेना, हालांकि मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए, बट स्टिल ब्रदर जो मैं बोला चमका। अभी सिर्फ इतना समझो कि हमारे घरों में सप्लाई आती है एसी, पर ऐसा समझ कि तू सारे सवाल ये मान के सॉल्व कर सकता है कि तूने बैटरी लगा रखी है 220 वोल्ट की, वो भी डीसी, तू ये मान के सॉल्व करेगा तो घरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तू समझ। ऐसा क्यों होता है ये मैं एसी में समझा पाऊंगा। हमारे घरों में सप्लाई कैसी आ रही है? क्या आ रही है? एसी आ रही है। पर तू जितने भी सवाल हैं उन सबको ये मान के सॉल्व कर लेना कि 220 वोल्ट की बैटरी है कांस्टेंट, तो तेरे को कहीं कोई दिक्कत क्यों नहीं आएगी, ये इसका लॉजिक मैं कहां समझा पाऊंगा, वो अभी नहीं समझा पाऊंगा तेरे को, क्योंकि वास्तविकता में तो जो हमारी सप्लाई आ रही है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। इसे पीक वैल्यू बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ये वास्तविकता में हमारे घरों में आने वाली सप्लाई की ये वैल्यू 311 वोल्ट है। इसका एवरेज आउट कर 220 आता है। अरे यार आप ऐसे समझो कि अगर हमारे घरों में सप्लाई की आ रही है, मैं मान रहा हूं, पर अगर आपको एनर्जी की कैलकुलेशन या पावर की कैलकुलेशन करनी हो तो आप इस पूरे सिस्टम को हटाकर उसकी जगह 220 वोल्ट की कांस्टेंट वैल्यू लगा दो, तब भी वही आंसर आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कैसे होता है मैं आपको कहां समझाऊंगा, तुझे मेरी बात समझ नहीं आया। क्यों? जैसे आप पंखा खरीदने जाते हो उसमें लिखा होता है 200, जैसे मान लो पंखा खरीदो उसमें लिखा होगा 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट 100 वाट क्या चीज है वो पावर, वो बाद में अभी बात करेंगे। पहले समझो 220 वोल्ट का मतलब किसी 220 वोल्ट की सप्लाई पे, अब वास्तविकता में तो एसी सप्लाई भी चल रहा है, किसमें चल रहा है, पर अगर आपको उसकी जितनी भी एनर्जी या पावर किसी भी चीज की कैलकुलेशन करनी हो तो उसे 220 वोल्ट की कांस्टेंट वैल्यू मान लो तो कोई बुराई नहीं, जबकि वास्तविकता थोड़ी डिफरेंट होती है। बट यू कैन से द सप्लाई व्हिच इज कमिंग टू आवर हाउसहोल्ड्स इज सम एसी और इट इज इक्विवेलेंट टू 220 वोल्ट डीसी, इट इज इक्विवेलेंट टू 220 वोल्ट डीसी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। नहीं आया? आप ऐसे समझो कि हमारे घरों में एसी सप्लाई आ रही है, मैं मान रहा हूं वो एसी सप्लाई कांस्टेंट है कि चेंज होती रहती है, वोल्टेज चेंज होता रहता है 311 के ऊपर नीचे, प्लस 311 माइनस 311 प्लस 311 में, वो भी साला 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। ये बहुत टिपिकल सिस्टम है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ऐसा मान लें कि अगर इस सिस्टम को हटाकर हम 220 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, कितने की? तो भी एनर्जी और पावर की कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा।
इसलिए तुझे अभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। फिर जब तुझे ये समझ में आएगा ऐसा क्यों करा था तो तुझे वैसे ही अच्छा लगेगा। फिर जो मैं बोला क्या चमका? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? क्या यहां तक पिक्चर क्लियर है? पहली बात तो एसीडीसी में अंतर समझे, एसीडीसी में समझे। और अभी हम इतना समझ गए कि वी कैन रिप्लेस 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट सप्लाई बाय 220 वोल्ट डीसी सप्लाई फॉर पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशंस। फॉर पावर एंड एनर्जी, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशंस, हाउ वी विल आंसर इन टू एसी, हाउ वी विल आंसर इन। मैं अगर थोड़ा भी ऐसा होता तो मैं कोशिश कर लेता, पर अभी तुम्हें वो समझ में, अभी तुम्हें मैकेनिज्म ही नहीं आता, कहां से आ जाएगा तुम्हें? तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा करंट घूम रहा है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे जनरेट हो रहा है, तो उस पर अभी अपन चर्चा, अभी तो जो कह रहा हूं उसे मान लो। बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा आपको, उसकी चिंता छोड़ दो, आप क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। क्या यहां तक मैं अपनी बात कह पाया हूं? yes, sir. तो आवाज नहीं आई यार? yes, एकदम पक्का? yes, सोच लो। yes, एक बात। दूसरी बात, हमारे घरों में सप्लाई कैसी है? एसी। मान ली पैरेलल की सीरीज, पैरेलल सीरीज नहीं है। हमारे घरों में सप्लाई कैसी है? पैरेलल। कैसी है? पैरेलल। सीरीज नहीं है, सर ये पंखा वो पंखा, ये पंखा वो पंखा, ये पंखा सब सीरीज में जोड़ दिया, सब पता लगा एक ही खराब हुआ तो सब बंद हो गए। जैसे याद है वो दिवाली की सीरीज होती है, चला एक बार फूट जाए सब बंद। अगर सोच आपके घर में लाइट चली जाए, अरे यार हाँ ना बोल, मतलब वो चीज खराब हो जाए तो सब बंद हो गया। फिर आप सबको बुला लिया आपने, वॉशिंग मशीन वाला भी, प्रोजेक्टर वाला भी, पंखे वाला भी, लाइट वाला भी। दो दिन बाद पता पड़ा कि भाई साहब पंखा खराब था, अरे हाँ ना बोल उसे ठीक करा, फिर साला कोई खराब हो गया। तो अगर आप सीरीज में कोई चीजें जोड़ दोगे, सीरीज में कोई चीज तो एक खराब होगा तो सब बंद हो जाए, पर अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो जो खराब होगा वही, अरे यार हाँ ना बोल। इसलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन करा गया कि अगर मेरे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट में चलने। इसलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि हमारे इंडियन सिस्टम में सब चीज 220 वोल्ट में चलनी चाहिए। अच्छा ये इंडिया का सिस्टम है, एशिया एशिया के सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट यही है। यूएस में आप जाओगे तो 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, कई जगह अलग अलग। अरे यार हाँ ना बोल, उनके सिस्टम में 110 वोल्ट की सप्लाई है। कितने की है? 110 वोल्ट। हर देश का अपना अलग सिस्टम है, हमारा सिस्टम ये। इसलिए आजकल ग्लोबल कल्चर है, ग्लोबल कल्चर में आप ऐसे समझो, जैसे अगर पता नहीं तुमने कभी देखा नहीं देखा, जैसे हमने जो आजकल लैपटॉप वगैरह आते हैं जो भी बाहर से इंपोर्टेड है उनमें लिखा होता है इनपुट सप्लाई 110 से 220 वोल्ट। इसका मतलब वो यूएस में भी चल जाते हैं। और आजकल ग्लोबल कल्चर है तो भाई सबको पता है कोई भी कहीं पे भी चलाएगा, तो जनरली चीजें ऐसी बनाई जाती है तो 110 वोल्ट पे चलाओ तो भी, पर 220 पे चलाओ तो भी। पर अगर ढंग की नहीं लोगे तो ऐसा होता है, जैसे पहले कई लोग बाहर जाते थे बहुत 10-15-20 साल पहले और वहां से चीज लेके आते थे, लोग यहाँ लगा देते थे, भाई साहब वो 110 पे चलने के लिए बनी हुई है, तुमने 220 पे लगा दी, भाई साहब ये तो गर्म हो रहा है। अभी तो होगा ही, जिसकी औकात 110 की हो उसको 220 वोल्ट की सप्लाई में लगा दो तो फूक जाएगा। अरे यार हाँ ना बोल। आजकल हम लोगों को ऐसी दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे चार्जर, आप चार्जर देखे हो ना मोबाइल के, चले देखे तेरे चार्जर पे भी लिखा होता है इनपुट सप्लाई 110 वोल्ट से, कभी पढ़ते ही नहीं है चार्जर, बस उसमें पढ़ने वाला क्या है, जो भी चीज खरीदते हो उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या लिखे होते हैं पढ़ते हो, पढ़ोगे फिर सोचा करो कि अच्छा किस लिए है ये स्पेसिफिकेशन, कम से कम इलेक्ट्रिकल आइटम्स में छोटी छोटी बेसिक बातें अपने को समझ में आनी। अच्छा ये लिखा हुआ इसमें ल्यूमिन इतना है, जैसे इसमें लिखा होता है ल्यूमिन, तुम इंजीनियर बनने वाले हो ऐसे ना गोबर की तरह मत देखा करो बल्ब खरीदने का, जैसे बोलते ना भाई साहब 0 वाट का बल्ब दे दो, 0 वाट का बल्ब बल्ब नहीं होता, 0 वाट का कोई बल्ब नहीं होता। कई लोग लट्टू लट्टू भैया लट्टू देना क्यों प्रज्ञा आंटी दुकान पे लट्टू बोलती कि 0 वाट का बल्ब, कुछ नहीं बोलती, चमकने वाला गोला डोसा। तो बेसिकली हमारे घरों में कनेक्शन कैसा होता है? पैरेलल। एसी तो होता ही है
हमारे घरों में कनेक्शन कैसा होता है? घरों में कनेक्शन पैरेलल क्यों होता है, बोलो क्लियर है? लॉजिक लिखने की जरूरत है कि समझ में आ जाएगा? चाहो तो लिख लेना, कनेक्शन पैरेलल में होता है। किसमें होता है? पैरेलल। पर हर चीज में स्पेसिफाइड होता है, चाहे चीज इतने पे चलेगी, ये 60 वॉट की है, ये है वो है, उसको अपने को बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। अब अपन बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे मान लो कि हम जो मानते हैं हमारी बैटरी जो भी हम लेते हैं वो हमें कैसे एनर्जी देती है, उसको समझो आप। अगर आप समझो कि ये बैटरी है, बोलो क्लियर, वी वोल्ट की बैटरी, कितने की? इसमें दो बातें मैं आपको बताता हूं। मान लो करंट आया आई, कितना आया? तो मैंने आपको समझाया था क्या कह रहा है? अरे कहीं से सर्किट में से आ रहा है करंट, बैटरी चलाती है ना करंट। अरे कहां से आया? बैटरी से सोर्स ऑफ एनर्जी और चार्ज। कोई भी चीज इसलिए मत बोला करो कि वो बस मजाक में बोल रहे हो, नहीं तो मैं समझाने लग जाऊंगा। मतलब टाइम खराब मत करना फालतू। ये वी और आर, तो क्या करंट ऐसे आई बहता है? तो बैटरी से सोर्स ऑफ चार्ज और एनर्जी, एनर्जी वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? अब मान लो आई आया, आई का मतलब चार्ज आया। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज था, कितना था? जो यहाँ से फ्लो करा टी टाइम में, तो क्या करंट हो गया? क्यू बाई टी। करंट क्या हो गया? अब दो तरीके से बात करता हूँ। अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो और यहाँ पे पोटेंशियल वी है, इस चार्ज की एनर्जी यहाँ कितनी? जीरो। कितनी है? पर यहाँ पे कितनी है? क्यू वी। दिस इज द एनर्जी गेन बाय द चार्ज। This is energy. This is energy. और जो भी आप लिखना चाहते हो, तो एनर्जी आ गई क्यू वी। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो पावर क्या हो गई? ई बाई टी। अरे यार आना बोल। पावर डी बाई डी टी तो होती है। अरे नहीं आया, नहीं आया। तो भाई साहब ई बाई टी क्या चीज? तो ई की वैल्यू क्या रखी है अपन ने? क्यू वी बाई टी। सो व्हाट इज क्यू बाई टी? तो क्या वी आई इज द आंसर? तो VI is the power given by the battery, और we can say अगर हम बोल रहे हैं कि करंट बह रहा है I, तो power delivered by the battery होगा VI। क्या होगा? क्या होगा? 10 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर करंट अगर बह रहा है तो 50 जूल एनर्जी एक सेकंड में। नहीं आया? तो 50 जूल एनर्जी एक सेकंड में दे रही है। पहले तो जो बोला चमका, 50 एनर्जी दे रही है, बोलो क्लियर। एनर्जी अगर एक सेकंड की बात करें, और अगर आपसे पूछ ले कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि 10 वोल्ट की बैटरी से 5 कूलम चार्ज पास करा, 10 वोल्ट की बैटरी से 5 कूलम चार्ज पास करा, तो आप बोलोगे 50 जूल एनर्जी मिल गई। तब टाइम की कोई चर्चा? पावर भी एनर्जी से ही आई है, पावर भी, बट दैट इज अ डिलीवरी रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चार्ज, रेट ऑफ। मुझे लगा तो मैं आया, आया कि नहीं आया? मतलब जो बोला चमका, तो सिंपल सी बात अपन ने बोली, तो अपने को बेसिक सी बात समझ में आनी चाहिए। पावर इज बेसिकली वी आई फ्रॉम अ बैटरी। अच्छा, इस वाले केस में बैटरी ने एनर्जी दी की ली? दी की ली, दी की ली। तो इट इज अ सोर्स और लोड? सोर्स। अगर बैटरी ऐसे जुड़ी होती उल्टी तो? तो क्या यही पावर माइनस वी आई होती? माइनस वी आई का क्या मतलब? वो एनर्जी क्या बेसिकली इट इज चार्जिंग ऑफ अ बैटरी? इट इज। याद करके चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाई थी? क्या जब चार्ज, जब अपन खुद, जब बैटरी खुद डिस्चार्ज हो रही होती है, जब वो सोर्स की तरह होती है, तो क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होता है? क्या होता है? ई माइनस आई आर। और जब वो चार्ज हो रही होती है तो क्या ई प्लस आई आर? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्या बेसिक सी बात समझ में आई? उतार जो तेरे को अच्छा लगा, उसके आगे फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक बात है आज के लेक्चर, बहुत छोटी छोटी सी बातें करूंगा, बहुत सिंपल सिंपल सी। अगर अपन बहुत सिंपल सिंपल सी बेसिक सी बात करें तो हमें समझ आया कि अच्छा भाई, अगर आपकी बैटरी है, क्या है? बैटरी, और उसमें करंट आई बह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो ये पावर देती है वी आई, और ये एनर्जी देती है क्यू वी। एनर्जी देती है क्यू वी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये जो बैटरी एनर्जी देती है, लेता कौन है? रजिस्टर। कौन लेता है? तो भिखारी वाली कहानी सुनाई थी याद है? भूल गए है ना, वो अपने से ये अपना रजिस्टर आर होता है, बैटरी अगर वी लगी होती है तो चार्ज जो है यहाँ पर आता है, इससे एनर्जी लेता है, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ के डर। तो याद है कि भूल गए हो? यहाँ पे एनर्जी क्यू वी, फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे रिलीज कर देता है, यहाँ पे क्या कर देता है? रिलीज। तो अगर अपन बिल्कुल बेसिक सी चर्चा करें तो अपने बात समझ में आएगी कि अगर आपका रजिस्टर, अगर आपका इधर देख, सुन लो पहले ध्यान से, ध्यान से सुन। तो अगर आपका रजिस्टर, क्या चीज? अगर आपका रजिस्टर आर में करंट आई बह रहा है, क्या बह रहा है? आई। इसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो वी है, मतलब इस तरीके की सिचुएशन है। तो आप ध्यान से समझो कि इसमें
कितनी एनर्जी है? लॉजिकली समझो तो आपको एक बात क्लैरिटी समझ में आएगी, जो पावर इस बैटरी ने दी क्या वही इसने कंज्यूम करी? वही इसने तो क्या इसमें एनर्जी, इसमें पावर आई? वी आई। क्या आई? अरे जो उसने दी उसने यही तो मिली। अगर वो एक सेकंड में ये वाली बैटरी इसको एनर्जी दे रही है 10, तो क्या वो भी 10 ले रहा है? तभी तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में, वरना होना पॉसिबल? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो भाई साहब इसमें पावर आई कितनी? वी आई। पर इस वी आई को कई तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान समझना। क्या इस वी आई को यहाँ पे क्या वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं? तो इस फॉर्मूले को क्या आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं? क्या आई को वी बाई आर भी लिख सकते हैं? तो क्या इसे वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं? तो पावर इन अ रजिस्टर कैन बी रिटन इनटू थ्री फॉर्मेट्स, दैट इज वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई। और उसमें सबसे स्टैंडर्ड है आई स्क्वायर आर। अरे यार, और उसमें सबसे स्टैंडर्ड क्या है? क्या है ये? पावर है कि एनर्जी है? पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर और द एनर्जी कंज्यूम बाय द कस्टमर, जो भी आप मानना चाहो। तीनों फॉर्मूले बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नहीं, और सबसे स्टैंडर्ड कौन सा है? क्या ये अस्तित्व में पावर है जिसे हम डी बाई डी टी लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं? आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन। तो जो एनर्जी टोटल है उसका रियल फॉर्मूला इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी है। बट अगर मान लो कि आई कॉन्स्टेंट है, अगर आई constant. तो क्या ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी है? yes, क्या है? आई स्क्वायर आर टी। कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे सिंपल सिंपल सी बात इतनी सी पूछूं, दो सवाल, क्या दोनों सवाल कर सकते हो? मैं आपको आप एक चीज बता दो, ध्यान से देखो कि अगर 2 ओम का रजिस्टर है, कितने का? 2 ओम का रजिस्टर है, करंट बह रहा है 3 एम्पियर, कितना? 3 है। एनर्जी इन 2 सेकंड, ओरली बोल। एनर्जी इन 2 सेकंड, एनर्जी इन 2 सेकंड, कितना? कितना? कैसे को समझ आ गया? आई स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 2 जा 18। मैंने 2 सेकंड बोला, कितना बोला? 2 सेकंड 36। तुम्हें नहीं आया? यानी कि अगर आई कॉन्स्टेंट है तो मेरे लिए एनर्जी निकालना खास बात नहीं। मान लो मैं आपसे ऐसा सवाल देता, क्या सब लोग कर सकते थे? बस मुझे बता दें कि 2 ओम है और करंट आई बराबर 2t, फाइंड एनर्जी इन 2 सेकंड। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या सब लोग कर लेंगे? 40 स्क्वायर इंटू 2। अरे 2t का होल स्क्वायर 40 हो गया ना। क्या 80 स्क्वायर dt, लिमिट 0 to 2। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। ये करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो 80 स्क्वायर बाई 2, तो यानी क्या गया? 8 into t³, यानी कि 8 into 8/3, क्या 64/3? कितना? तुम्हारे प्राण प्रखेरू? आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, बताओ मेरे लिए एनर्जी निकालना कोई खास बात नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि आप खुबाच मान लो ये 2 ओम है, क्या है? मैं बोलूं करंट है 2 sin ωt, 2 sin, और ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है 2π/, जो भी दी हुई है। क्या आप ये सवाल भी कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये सब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऐसा ही आता है हमारे घरों में सप्लाई। अरे यार हाँ ना बोल, हमारे घरों में सप्लाई ऐसी तो आती है I बराबर I0 sin ωt। हाँ, अभी हम उसे 220 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं वो अलग बात। तुम अगर थोड़ी सी अक्कल ज्यादा रखते हो तो मैं यहाँ भी समझा सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा सन्नाटे में चले जाए। ट्राई करूँ? पढ़ने तो लगे हो वैसे आजकल, छोड़ यार मर जाएगा। चल पहले यहाँ तो उतार, फिर कोशिश करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। नहीं आएगा वैसे, कहाँ से आ रहे हैं समझ आएगा तुम्हें। अरे बात नहीं, एक मिनट बस, पहले एक मिनट बताओ, एक बात बताओ मेरे को, सुन। अगर आई कॉन्स्टेंट और आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, क्या तू एनर्जी निकाल सकता है? अभी तो मुझे इतना ही चाहिए। आई कॉन्स्टेंट और आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो तो मुझे एनर्जी निकालनी आनी। सॉरी, ये नहीं था। हाँ पहले सर पिंक कलर था सर, ये नहीं था। मेन बात कि अगर मुझे आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ या आई कांस्टेंट बताओ, मेरे लिए एनर्जी निकालना कोई खास बात नहीं है। नहीं है, सिंपल। तो
एनर्जी दो जगह से, एनर्जी और पावर। बैटरी में भी चाहेगी तो वी आई लिखेंगे और क्यू भी लिखेंगे। अगर रजिस्टर में चाहेगी पावर तो लिखेंगे आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी आई। और अगर एनर्जी चाहिए होगी तो हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर डी टी या वी स्क्वायर बाई आर डी टी। और आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट हो या आई कॉन्स्टेंट हो या आई एज ए फंक्शन टाइम टी हो, मेरे लिए एनर्जी निकालना कोई खास बात नॉर्मल प्रोसीजर। यहां तक अपने को बात समझ में आई। और कुछ बात, अब बेसिक बात ये कि हमारे घरों में बिल किस चीज का आता है? बिजली का, पानी का, बहुत बढ़िया। क्या थोड़ी देर, अब प्लीज थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब दिमाग लगा लो पढ़ने में। हमारे घरों में बिल, ये बिहार वालों के लिए नहीं है सवाल, वो ऐसा बोल सकते हैं कि राजस्थान वालों के घरों में बिल किस चीज का? अच्छा, बिहार में बिल आने लगा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, देते नहीं है। पावर, एनर्जी, करंट, वोल्टेज, हमारे घरों में जो मेजरमेंट होकर बिल आता है वो किस चीज पे कर दिया? चिल्लाओ मत, अभी पूछ लूंगा, चिल्लाओ मत। नहीं, मुंडी कुछ भी नहीं है इसमें, तू रॉकेट साइंस नहीं हो, मुंडी सवाल जैसा कोई सवाल नहीं हो। तब इसमें भी तुम चारों में बराबरी कर दोगे तो मुझे पता है अच्छे से, पहले तो मैं तुम लोगों का जानता हूं। हाँ, हमारे घरों में किस चीज का बिल आता है? हम जो बिल भरते हैं, बिजली का बिल जो आता है वो किस चीज का होता है? कितने लोग बोलते हैं पावर, कितने लोग बोलते हैं पावर, एनर्जी, करंट, करंट, अब करंट डेंसिटी चैप्टर है, वोल्टेज, वोल्टेज। अच्छा, पावर और एनर्जी में ही लड़ाई है, हालांकि लड़ाई बढ़ जाती है अगर हेड डाउन कराता तो, ऐसी बात नहीं है, पर चलो फिर भी ठीक है। पावर और एनर्जी, अस्तित्व में इसका आंसर है। हमारे घरों में बिल आता है यूनिट पे, किस पे आता है? आपने सुना होगा तो ऐसा होता है राजस्थान में 10 रुपए यूनिट है, गुजरात में अलग है, यूपी में अलग है, बिहार में 0 है, जो भी जहां जाते हैं। तो हर स्टेट के में बिल जो आता है पहली बार वो यूनिट वाइज आता है। कैसे आता है? यूनिट के पैसा आपके घर में बेसिकली जो आपका बिल आता है, जो आपका ये बिजली का बिल आता है, इस बिजली के बिल में आप देखना तो यूनिट लिखी आती है। क्या लिखी आती है? लोड कैपेसिटी, और भी बहुत सारी चीजें आती है। एक स्थाई शुल्क आता है जो भाई फिक्स्ड है, ये भाई इतना तो आएगा, ये रेंटल जो आपसे गवर्नमेंट चार्ज करती है। उसके अलावा आप जितना भी कंजम्पशन ले रहे हो, जितना भी कंजम्पशन, इसमें लाइट चलने का क्या मतलब होता है? बैटरी लो। तो आप जितना भी कंजम्पशन कर रहे हो उसका स्थाई शुल्क भी लेती है गवर्नमेंट, बहुत सारी चीज लेती है। असल में हमारे घरों में मिलाता है यूनिट का, किसका आता है? अभी यूनिट अगर आपने सुनी तो ऐसा होता है 10 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट। हर स्टेट की रेट अलग अलग है, कृषि के लिए अलग है, कमर्शियल के लिए अलग है, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए रेट अलग होती है, जैसे यहाँ बिल्डिंग की रेट अलग है, आपके रेजिडेंशियल की रेट अलग है, उसके बाद कृषि जो भी एग्रीकल्चर है उसके लिए रेट, तो सरकार ने अलग अलग तरीके अलग कर रखी है भाई, किसी को सब्सिडी है किसी को सब्सिडी नहीं है, वो एक अलग बात। सब्सिडी समझते हैं सब लोग? अलग अलग तबकियों को सरकार ने अलग अलग कर रखी है। इंडिया में ज्यादातर ऐसे सिस्टम है, बाहर ऐसे कोई सिस्टम यूनिफॉर्म ही ऑलमोस्ट सब जगह होता है। बट ठीक है, हमारे यहाँ बिजली के अगर बात करें तो 3 भागों में थोड़ी गई है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर। और कौन सी? कृषि वालों को अलग, उनको बहुत सस्ती दरों पे दी जाती है, 3 रुपए, 4 रुपए, 3.5 रुपए, 2.5 रुपए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। वो 2.5 रुपए भी है मेरे हिसाब से, राजस्थान में 2.5 या 3 रुपए ही है। अपने घरों में जो आ रही है बिजली वो 7.5-8 रुपए है रेजिडेंशियल में अगर बात करें तो, अगर कमर्शियल की बात करें 10-12 तक पहुंच जाती है, उसमें भी इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल वेरी करती है, उसमें भी अलग अलग टाइप के कनेक्शन है, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूं। तो यूनिट बेसिकली इज अ बेसिक क्राइटेरिया ऑन विच वी मेजर द बिजली चार्ज या जो भी। अब एक यूनिट अपन ने मान लिया, ये यूनिट क्या चीज है? एनर्जी, पावर, एनर्जी। वन यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, आप पहले समझो वॉट क्या चीज है, पावर। एक वॉट का मतलब होता है 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड,
अरे यार हाँ ना बोल। एक वॉट का मतलब है एक जूल एनर्जी। इसका क्या मतलब है? 1000 वॉट की चीज अगर 1 घंटे चले, ध्यान समझना, 1000 1 kWh, 1 इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आर इट्स ए यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर 1000 वॉट की चीज, कितनी 1000 वॉट की चीज 1 घंटे चले, कितने घंटे, तो जो एनर्जी कंज्यूम करोगे उसे 1000 वॉट की चीज 1 घंटे, 1000 वॉट का मतलब 1000 जूल प्रति सेकंड, तो 1 घंटे का मतलब क्या 60 × 60, क्या इतने सेकंड? यार हाँ ना तो बोल। 60 मिनट होते हैं ना 1 घंटे में, और क्या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं? नहीं आया, आया नहीं आया, तो ध्यान से देखो तो 36 × 10⁵ जूल। इतनी एनर्जी आप सरकार से जब लेते हो तो वो 1 यूनिट काउंट करती है, और फिर उस 1 यूनिट का आपसे 10 रुपए 12 रुपए या जो भी लेना होता है वो लेती है। पहले जो मैं बोला चमका, तो हमारे घरों में बिल किसका आता है? पावर का नहीं। 36 × 10⁵ जूल, 36 × 10⁵ जूल, इस चीज का बेसिकली आप बिल भरते हो, जिसे आप 1 यूनिट कहते हो। जिसे जब भी आप घर पे कोई चीज बनाए तो अपने को घर पे कोई भी चीज लगाए तो पहले उसकी रीडिंग नोट करनी कि भाई वो कितना बिजली का बिल, वो चीज लगानी आसान। जैसे हम कॉलेज में सबसे पहली बार गए तो हमें पूरे कॉलेज का बिजली का बिल कैलकुलेट कराया गया, सब चीजें काउंट करा करा के ये कराया गया था हमारे टाइम पे, जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो अलग अलग चीजें बेसिकली आपको बिजली का बिल काउंट, जैसे मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में आपको बिजली का बिल काउंट करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें एसी चल रहा है, लग रहे हैं 5.5 टन के दो, ये 5.5 टन के जो एसी दो, कई लोग कह रहे हैं सारे बिजली का बिल कैलकुलेट कराएगा आज, 5.5 टन, टनेज अगेन, एक छोटी सी बात सीखना है, टन क्या चीज है? आपने सुना 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी, टनेज इज अ यूनिट ऑफ कूलिंग सिस्टम्स। क्या चीज? उसका इसकी पावर से कोई लेना देना नहीं। बेसिकली ऐसा समझो, मोटा मोटी पहले तो ज्यादा होता था, आजकल जो 1 टन एसी है इसका मतलब करीब 1100-1200 वॉट लेता है। कितना? 1100-1200 वॉट। वो 1100-1200 वॉट है, मतलब अगर आपका 1 टन का एसी चलता है तो लगभग लगभग, या 1.5 टन का चलता है तो मोटा मोटी वो 2 यूनिट 1 घंटे में ले लेता है। कितना? 2 यूनिट लगभग लगभग, आप ऐसे समझो। अरे यार हाँ ना बोल। लगभग लगभग है जो मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल अच्छे अच्छे से ऐसे, इसलिए बोलते हैं एसी। एसी टनेज इज यूनिट ऑफ बीटीयू पर सेकंड में चलती है, मतलब उसकी अलग यूनिट होती है कितने का क्या चाहिए। बेसिकली ऐसा समझो आप, मोटा मोटी ये आइडिया है कि 1 टन का मतलब 10 × 10 × 10 का कमरा अगर है तो ठंडा कर देगा, 10 लेंथ 10 ब्रेड्थ और 10 हाइट, अगर इतना है तो वो ठंडा। पर ये कोई थम रूल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कमरा है तो इसको सिर्फ ऐसे लेंथ विड्थ से नहीं कर सकते, हर एक आदमी को अलग यूनिट माना जाता है, हर एक आदमी का बोला जाता है कि वो 50 BTU लेता है, तो फिर कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है इसमें कितना एसी लगना चाहिए। आज जैसे मान लो नई बिल्डिंग बनी तो उसमें कैलकुलेशन पहले भाई इतने इतनी पावर के CFM लगने चाहिए, ये सब अभी नॉर्मल लाइफ में काम आते हैं। मान लीजिए नई बिल्डिंग बननी थी, मुझे 10 लाख रुपए का प्लांट लगाना था उसमें जो ठंडा करेगा कमरों को, तो मुझे भी नॉलेज होनी, वो मुझे समझाएगा कि अच्छा कि हाँ भाई उसने मेरे को समझाया, एक पहले ने समझाया उसने 15 लाख का, जिन्होंने भाई से 15 लाख का तो हो ही नहीं सकता, इतने की पावर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। दूसरे ने बिल्कुल सही बना के बताया, उसने डक्ट्स देखो तो ऐसे कट कट करके दिए ताकि आपके एयर का फ्लो बिल्कुल सही रहे। खैर तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, पर है लेना देना, नॉर्मल लाइफ में तुम भी जीने वाले हो। तो टनेज इज अ डिफरेंट यूनिट, टनेज इज अ डिफरेंट, बट अभी बेसिक बात में आपको इंजीनियर बनने वाले हो तुम लोग, ये जो आज पढ़ा रहा हूँ वो कॉमन लाइफ की बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल, जो चाहे आप बिजनेस करोगे तो भी काम आएगा, जॉब करोगे तो भी काम आएगा, घर पे चीजें लगाओगे तो भी काम आएगा, नॉर्मल लाइफ में। मान लीजिए इस कमरे की अपन बात करते हैं, 10 टन इसमें यूनिट है, 5.5 टन की यूनिट है, 5.5 टन की यूनिट है, मोटी मोटी ये मान के चलो कि ये करीब करीब 7-7-8-8 हजार की यूनिट है। कितने की? 8-8 हजार कंजम्पशन है, 8 हजार वॉट मतलब 8 kW, मतलब अगर 1 घंटा ये चलता है तो इसका कितना 8 यूनिट कंज्यूम करता है, और ये भी कितना करता है? अब लाइट पंखे, हर एक पंखा लगभग लगभग 100-100 वॉट का होता है, इसमें 10 एक पंखे लग रहे हैं, स्पीकर लग रहे हैं, लाइटें लग रही है, बहुत सारी लाइटें हैं। आप मान के चलो इस कमरे का कम से भी कम 20,000 वॉट, कितना? 20,000, मतलब 20 kW का 1 घंटे का खर्च है, एक मतलब 20 यूनिट का, एक 1.5 घंटे में कितनी हो गई? 30 × 10 रुपए करो,
300 रुपए एक क्लास का खर्च है, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 300 रुपए सर किसमें चले जाते हैं एक क्लास में? बिजली, बिजली में, बिना किसी उसके। इसलिए अपन घर पर जो भी अप्लायंसेस लगा रहे हैं इसी के बनिस्पत आप कूलर लगा दो तो कूलर बहुत भले, मान लो ये अगर 5.5 में ये मान लो 16,000 लग रहे हैं ना, मुश्किल से 1,500-2,000 रुपये में 2,000 वॉट में काम हो जाता है कूलर में, जो बड़े बड़े कूलर ऊपर लगते हैं। इसलिए एसी घर पे आपको अगर एसी लग रहे होंगे तो बोलते होंगे कि एसी का कंजम्पशन थोड़ा, अगर आप बिहार के हैं और आपके घर में 5 एसी लग रहे हैं और बिजली का बिल नहीं आ रहा है तो समझ लेना क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दिया एक एसी अगर नॉर्मल सोचे रात को अपन चला के सोते हैं 1.5 टन का एसी 2 किलोवाट उसका यूनिट है, 8 से 10 यूनिट अगर अपन चलाते हैं उसको, तो आप सोच के देखो कि वो एक घंटे में करीब करीब 2 यूनिट ले रहा है, कितनी? तो 16 यूनिट मोटा मोटी वो ले लेगा कितने घंटे में? 8। हाँ थोड़ी देर बंद रहता है 10 घंटे, तो 6 यूनिट मान लो, 6-7 यूनिट मान लो, क्योंकि घर में जो एसी रहते हैं वो ट्रिप भी होते हैं, ट्रिप मतलब कंप्रेशर कभी चलता है कभी नहीं चलता, वो भी आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड में चलाओगे तो पता नहीं सर आप क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम तो एसी बटन दबाते चल जाते हैं उसके बाद क्या सोचना। तो बेसिकली आप मान चलो एक एसी का कम से कम अगर आप रोज रात को एसी चला के सो रहे हो नॉर्मल, तो भी आपका बिजली का बिल आप ये मान के चलो कि कम से कम रोज का ज्यादा भी नहीं तो भी 60 रुपए तो नहीं, कितने कितनी यूनिट आई थी? 2 यूनिट 15-16-12-13 यूनिट मान लो आप, तो करीब 30 रुपए पड़े नहीं ज्यादा हुआ ना, कितनी यूनिट 8 घंटे चलेगा 2 यूनिट के हिसाब से 16 यूनिट हुई ना, 160 अच्छा हाँ 100-120 रुपए का रोज का खर्च है एसी रात में चलाने का। तो अकेला एसी 1.5 टन का जो आपके रूम में लग रहा है लगा हो वो अगर आप प्रॉपर्ली रोज चला रहे तो उसको अकेले का बिल 2 से 3 हजार आएगा, कभी कम ज्यादा, तभी फैक्ट्री 2-2.5 हजार का आता है, इसलिए 5-स्टार रेटेड जिसमें कंजम्पशन कम होते हैं, आजकल अलग अलग टाइप के एसी आने लगे जो पुराने एसी जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो अलग अलग टाइप की उस पर बातें, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आप बिजली का बिल निकाल सकते हो? यस और नो? बिजली के बिल पे मैं थोड़ी थोड़ी बातें और बताता हूँ, ये मैं कोई फालतू के सवाल ऐसे नहीं करा रहा हूँ, आपको आना चाहिए। अगर इस कमरे में मैं आपको सबके स्पेसिफिकेशन दे दूँ, जो भी आप चीज खरीदते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसमें मेनली 3 चीज लिखी होती है, 3-4 चीज वो समझ ले क्या उसमें, एक तो लिखा होता है इनपुट सप्लाई, क्या लिखा होता है? इनपुट सप्लाई जनरली आपको दिखेगी ना अप्लायंसेज ऐसे लिखा, इनपुट सप्लाई जनरली लिखी होती है 110 से 220 वोल्ट, वो जनरली इसलिए होती है ताकि आप यूएस में चलाओ यहाँ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एम्पियर एम्पियर भी लिखा होता है, कितने एम्पियर निकालता है, जैसे आपने देखा होगा एमसीबी होते हैं ना आपने फ्यूज वायर वगैरह, पहले तो फ्यूज वायर उड़ जाता था, आजकल तो एमसीबी लगी होती है भाई 1.5 एम्पियर की एमसीबी है, 2 एम्पियर की, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे अलग अलग लगी होती है, पहले ये काम फ्यूज वायर करते थे, आपने कभी आपने घरों में देखा था प्लग टाइप होता है मिट्टी का टाइप बना, ऐसा बोलते थे अरे भैया भैया को बुला लाओ फ्यूज वायर उड़ गया, तो एक वायर घर पे रखा होता था जो अपन बांध देते थे, आजकल वो काम एमसीबी करती है कि अगर इस सप्लाई में 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर की एमसीबी का मतलब है एमसीबी देखिए वो एमसीबी काम कैसे करती है, अभी तुम्हें कोई लेना देना नहीं, एमसीबी ये करती है कि मान लो कि 1.5 एम्पियर करंट से ज्यादा अगर बहेगा तो ट्रिप, क्योंकि आपके घर में अप्लायंसेज लगे हुए हैं, अगर आप एकदम से मान लो किसी फॉल्ट की वजह से ट्रांसफार्मर खराब हो गया या कुछ भी हो गया और सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई तो आपके घरों की सारी चीज, तो एमसीबी उस बात को देखती है कि अगर एकदम से किसी भी फॉल्ट की वजह से ज्यादा सप्लाई आए तो एमसीबी ट्रिप कर जाए, कम से कम लाइट चली जाएगी, इससे ज्यादा कुछ। अब उसमें भी अलग अलग है, जैसे मान लीजिए एसी है तो इसमें इनके ऊपर जहां के कंप्रेशर लगे उनके पास में इनकी एमसीबी लगी हुई है, 3 एम्पीयर करंट ही उठाते हैं, इनको ज्यादा सप्लाई चाहिए तो इनके 3 एम्पीयर के 4 एम्पीयर के इनके करंट होते हैं, तो इनके लिए अलग एमसीबी लगी होती है, पंखे वाले सप्लाइयों के लिए अलग लगी होती है, अलग अलग जिसमें जहां से पे जैसी रिक्वायरमेंट है तो वैसे कनेक्शंस कराए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अपने आप में जो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल एंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पावर एंड इलेक्ट्रिकल एंड पावर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और शायद आज के लेक्चर में अगले लेक्चर में थोड़ा खत्म कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इज अ ब्रांच इन आईआईटी दिल्ली, सिर्फ इसी पे जो 1.5 घंटे में अपन खत्म कर देंगे या 2-2.5 घंटे में, तो इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है अनंत मतलब, क्योंकि पूरा सिस्टम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स होने जो उसको एफिशिएंटली यूज कर सके या सोच सके कि उसको कैसे यूज करना है, पर नॉर्मल लाइफ के लिए आपको भी ये सब बातें पता होनी। उसके अलावा आपने कभी कभी सुना होगा, बहुत बेसिक बेसिक कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूँ, कोई सवाल नहीं करा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपने कभी कभी सुना होगा कि हमारे घरों में ऐसा होता है कि 3-फेज कनेक्शन है, सिंगल फेज, सुना है कभी ऐसा? एक्चुअली जैसे आप जैसे आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो ट्रांसफार्मर जो अपनी बिल्डिंग में लगे हुए उनमें 3 मोटे मोटे वायर आ रहे हैं, अगर कभी ध्यान दिया हो तो 3 क्या आ रहे हैं? मोटे मोटे वायर। तो अपने यहाँ जैसे 3-फेज कनेक्शन है, जनरली घरों में सिंगल फेज होता है, क्या होता है आप ऐसे समझो जहां से सप्लाई आ रही है वहां पे 3 मोटे वायरों में सप्लाई आ रही है, अलग अलग फेज है वो, अलग अलग। तो घरों में तो जी पंखे वंखे नॉर्मल पंखे 1-1.5 टन का एसी सब सिंगल फेज पे चल जाते हैं, ये सब सिंगल फेज में चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कभी कभी अपन ऐसा बोलते हैं कि यार अरे अपनी पास वाली की आ रही होती है, अरे यार अपना फेज उड़ गया
अरे अच्छा सुना होगा यार, पास वाली लाइट आ रही होती है पर अपना, तो अपने घर वाले बोलते हैं अपना फेस उड़ गया होगा, और अपने लगता है साला अपना ही फेस खराब है, हमेशा उड़ता है, क्योंकि अपन बाहर आ गई तब देखते जब अपना फेस उड़ता है, अभी जब उसकी गई थी तो उसने बाहर आके देखा था। अरे हाँ ना बोले यार, है कि नहीं। और फिर मान लो सबकी लाइट चली जाए तो बोलते वैसे ग्रिड फेल हो गया होगा। अरे नॉर्मल शब्द है या तुम बिल्कुल गांव से आए हो, हमारे घर में बिजली नहीं आती, चला जाएगी कैसे। तो वो ग्रिड फेल हो गया, ऐसी ऐसी बातें करी जाती है। बेसिकली थ्री फेज कनेक्शन, क्या चीज एक्चुअली, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज है, ऐसा समझो ये, जैसे ये हो गई लिफ्ट हो गई, क्या हो गई लिफ्ट, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन हो गई, इनका इनमें एक एक फेज की ताकत डालो तो ये चलती, इनमें तीनों फेज की ताकत चाहिए होती है, इनमें तीनों फेज की ताकत आती है तब ये मशीन है जो इनके बाहर कंप्रेशन लगे हुए इन, इनके इसलिए कभी कभी आपने शायद पता नहीं ऑब्जर्व करा नहीं करा, कभी कभी ऐसा होता है कि एसी बंद हो जाता है पर लाइटें चल रही होती हैं, है ना। और बोलते हैं तो कभी आपने सुना सर एक फेज चला गया है, एक फेज भी चला जाएगा तो ये पर ये चलते रहेंगे, पर ये बंद हो जाती है बड़ी बड़ी मशीनें अगर एक फेज भी चल जाए, बल्कि अगर जहां से अपनी सप्लाई आ रही है वहां पे अगर वो फेज की सीक्वेंस भी चेंज कर देते हैं तो भी हमें यहां पे सीक्वेंस चेंज करनी पड़ती है, चाहे वो जनरेटर से सप्लाई आ रही हो चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, पर नॉर्मल शब्दों में यूज आने वाली बातें बता रहा हूं आपको। तो थ्री फेज कनेक्शन अपने घरों में कईयों के होंगे, कईयों के नहीं बहुत कमों के होंगे, किनके 10-15-20 एसी लग रहे हो घर पे, ज्यादा लोड हो तो फिर थ्री फेज कनेक्शन लिया जाता है, वरना अमूमन कोई खास जरूरत, या बहुत बड़ा घर है नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिलीज में, जितनी छोटी फैमिलीज है उनमें ऐसी कोई खास जरूरत, सब सिंगल फेज कनेक्शन पे सारी चीज चल रही होती है। तो मोटी मोटी बात, क्या बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो? Yes, हमारे घर में बिजली का बिल क्या यूनिट पे आता है? Yes, इस पे आता है, यूनिट पे आता है, और बेसिकली वो एनर्जी है। क्या है एनर्जी? दैट इज 1 kWh, दैट इज 1 kWh, मतलब 36 × 10^5 जूल एनर्जी। जब हम सरकार से लेते हैं तो एक यूनिट होता है, अलग अलग सरकारें उसका अलग अलग चार्ज करती हैं, और अलग अलग सेक्शन में भी अलग अलग करती हैं। मैं आपसे बोलूं कि आपके, वैसे सवाल सुनना, मैं आपसे बोलूं कि एक कमरे में 50 लाइट है 50 वॉट की, 50 पंखे हैं 100 वॉट के, चले 9 घंटे तक, बिजली का बिल आता है 10 रुपए प्रति यूनिट, क्या बिजली का बिल निकाल सकते हो? पहले तो यस और नो, क्या इस सवाल का आंसर सब लोग निकाल सकते हैं? यस और नो, ऐसा सवाल आ सकता है जो मैंने आपको बोला? सिंपल कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं। टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालो, क्या निकालो? टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लो, उसको डिवाइड बाय 36 × 10^5 कर दो, क्या यूनिट आ जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय आंसर आ जाएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं, आपको मिल भी सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं। राइट व्हाट एवर यू वांट टू राइट, जो तेरे को अच्छा लगा और जो तुझे ठीक लगा सब लिखा है, और कुछ नहीं अच्छा लिखा हो तो मत लिख। क्या आंटी बोल ना, बोलो क्या बात? अरे बोल बोल, अरे हाँ, अच्छा इनपुट सप्लाई, हाँ 110 वोल्ट 220 वोल्ट, उसके अलावा वो एम्पियर भी लिखा होता है, एम्पियर कितनी वो सप्लाई जा रही है, उसके अलावा उसमें लिखा होता है कितने वॉट का है वो, कितने, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स वॉट या कुछ भी, मतलब जो भी लिखा, एक्स वॉट का मतलब कि इतनी सप्लाई ले रहा है, इतनी सप्लाई yeah। और ऐसे लिखा होता है एक, जैसे आप बल्ब खरीदने जाओ तो बल्ब पे आप जनरली ऐसे लिखा होगा, बल्ब जो आप खरीदो ऐसे लिखा होता है 100 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट या 50 वॉट 220 वोल्ट या 15 वॉट, जो भी लिखा हो, तो आप समझ जाते हो कि अगर मैं अपने घर वाली 220 वोल्ट की सप्लाई पे इसको लगाऊंगा तो ये 100 वॉट कंज्यूम करेगी, कितनी, मतलब 100 वॉट एनर्जी छोड़ेगी, आप ऐसा भी मान सकते हो, कोई बुराई वाली बात। 100 वॉट के बल्ब को हम क्या मतलब समझते हैं? हम ये मतलब समझते हैं कि 100 वॉट के बल्ब का मतलब कि 100 वॉट एनर्जी, 100 वॉट की एनर्जी छोड़ रहा है, मतलब 100 जूल एनर्जी छोड़ रहा है, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, ये बेसिक मतलब है उसका। इस बल्ब पे मैं अभी बहुत सारे सवाल कराऊंगा, जो मैंने अभी आपको बोला थ्री फेज के बारे में, बिजली का बिल कैलकुलेट करना आना, हमारे घरों में बिजली का बिल एनर्जी का आ रहा है, किसका आ रहा है? एनर्जी का, ये सब आपको आना, लिख लो, लिख लो, रोटेशन चल रहा है। आइए आप सुन, एक चीज बता, छोटे पहले तो क्या वो बल्ब के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, बल्ब से थोड़ी और अच्छी बातें करते हैं। ये जो बल्ब होता है 100 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट बेसिकली बल्ब होता है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई पे लगाएं, किस पे 220 वोल्ट की सप्लाई पे लगाएं, तो भाई साहब ये 100 वॉट एनर्जी देगा। तू भाई साहब तेरा जो है सिलेक्शन इलेक्शन हो गया, तू जो है यूएस जा रहा है, कहाँ जा रहा है? यूएस जा रहा है। अबे तुम इतने क्या भिखारी जैसे बिहेव करने लगते हो? कोई कोई मतलब
बिहार ही यूएस है। सौ वॉट 220 वोल्ट का बल्ब तेरे पास रखा था? अरे यार हाँ ना बोल। तूने सोचा यार यहाँ कहाँ छोड़ के जाऊंगा, साथ ले गया। कहाँ साथ ले गया? यूएस। जब तू ले गया तो यूएस सिस्टम में कितनी वोल्टेज होती है? पर तूने खरीदा उसको यहाँ पे था, क्या वो चलेगा वहां? तूने यहाँ बल्ब खरीदा जिसपे लिखा था 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट 100 वोल्ट। तू उसे यूएस ले गया जहां का सिस्टम 110 वोल्ट का। कितने का मतलब? कितने का? 100। बोलो क्लियर। अब मैं बात नहीं, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या वो चलेगा? अगर चलेगा तो क्या इतनी पावर छोड़ेगा? कम की ज्यादा? क्या वो चलेगा नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो कितनी पावर छोड़ेगा? जो यूएस में सप्लाई हो कितने की? 110 वोल्ट। तो पावर क्या आएगी? 50। चलेगा पहली बात, चलेगा। आप समझ अच्छे से, बढ़ जाएगी पावर। सुने, ये जो बल्ब है असली में, बल्ब में अगर तुमने पुराने बल्ब देखा तो उसमें एक फिलामेंट लगा होता है, बेसिकली वो एक रेजिस्टेंस है, बेसिकली वो एक ध्यान से देखो तो पावर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? 100 वॉट बराबर वी, मतलब 220 का होल स्क्वायर बाई आर। इस बल्ब के लिए क्या कॉन्स्टेंट? अगर पावर, अगर वोल्टेज चेंज करो तो क्या चेंज होगा? आर की पी? आर चेंज कन्फ्यूज मत होना, क्या चेंज नहीं होगा? आर। तो आर की वैल्यू असलियत में पहले डेटा से कितनी आ गई? 220 का होल स्क्वायर बाई 100। इसमें इस बल्ब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट पे अगर चलाओगे तो वो 100 वॉट देगा। कितनी देगा? 100। कितनी देगा? 100। तो आपने लिख लिया कि रेजिस्टेंस, असली में आपने ये फॉर्मूला लिखा, जब आपने रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में क्या, अगर वी चेंज करो तो क्या चेंज होगा? पी। आर चेंज? अरे आर तो रेजिस्टेंस है, वो थोड़ी चेंज हो रही है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगर हमें पावर चाहिए तो लिखा जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, पर अब वी की वैल्यू क्या? 110 है। 110 का होल स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 220 का होल स्क्वायर इंटू 100। तो 100 बटे 4 25 वॉट। जलेगा? जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, पर बहुत कम रोशनी, एक चौथाई। कितनी? 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 अच्छा उल्टा करूं तो यूएस में फिर तेरे पास बल्ब था जिसमें लिखा था 110 वोल्ट है और 100 वॉट है, और तू इंडिया में ले आया। बोल। क्या ये बेसिकली 400 वॉट से जलना चाहेगा? yes, पर इसकी औकात नहीं है। इसकी औकात नहीं है। तो क्या फूट जाएगा? yes, क्या हो जाएगा? जाएगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? आया। तो ये फूट जाएगा। बेसिकली इनमें आर सेम रहता है। क्या सेम रहता है? सिंपल सा लॉजिक है। पहले जो बोला चमका उतार, फिर आगे बढ़ते हैं, छोटे सवाल करते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से। आइए, तू बाजार गया, तूने तीन बल्ब खरीदे 100 वॉट 220 वोल्ट 50 वॉट 220 वोल्ट 1 2। तीसरा बल्ब तूने खरीदा 25 वॉट 220। अब तू बल्ब ले आया, बहुत खुश हुआ, और तूने, तुझे पता ही नहीं था कुछ, तो तूने घर में वायर से इन तीनों बल्बों को सीरीज में जोड़ दिया। भाई कैसे जोड़ दिया? सीरीज में। कितने में? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सीरीज में जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, तू खुश हुआ। ये 1 2 और 3, क्या तीनों बराबर चमके?
कौन सबसे ज्यादा चमका या बराबर चमके? तूने बाजार से 3 बल्ब खरीदे, तूने बाजार से 3 बल्ब खरीदे 1, 2 और 3, तूने बाजार से 3 बल्ब खरीदे 1, 2 और 3, बताओ बारह 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. सवाल पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, कितने लोग बोलते हैं कि तीनों बराबर चमकेंगे? शर्माओ मत। कितने लोग बोलते हैं कि तीनों बराबर चमकेंगे? कुछ ना कुछ बोलना कंपलसरी है। अच्छा जो पहले मैं तीनों ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ये है कि तीनों बराबर चमकेंगे, सबसे ज्यादा 100 वाट वाला चमकेगा, या सबसे ज्यादा 3 वाट वाला चमके, मतलब 25 वाट वाला चमकेगा। किसी में अगर 50 वाट वाला आ रहा है तो मेरा उसके पास भैया तो बराबर चमकेंगे, या सबसे ज्यादा कौन चमकेगा 100 वाला, या फिर सबसे ज्यादा चमकेगा 25 वाट वाला। ये तीन ऑप्शन है, बराबर, सबसे ज्यादा 100 वाला, और सबसे ज्यादा ये ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मन में कोई विचार तो निकाल दो। अभी सोच, भावुक क्यों जाते हो? 100 वाला, मतलब 100 वाला वॉट लग रहा था, 100 वाला बस, क्योंकि ज्यादा है सर वो। मैं कंफ्यूज भी करता हूं। कितने लोग बोलते हैं बराबर चमकेगा, बराबर चमकेंगे, थोड़ी जनसंख्या बड़ी। कितने लोग बोलते हैं 100 वाट वाला चमकेगा ज्यादा? कितने लोग बोलते हैं 100 वाट वाला चमकेगा ज्यादा? किसी न किसी के साथ रहना है, अकेले नहीं रहना है जीवन भर। कितने लोग बोलते हैं 25 वाट वाला चमकेगा? अब लॉजिकली सुन, अगर सीरीज में लगाओगे तो क्या सेम है? तो सुनो, इसमें पावर होगी I²R1, इसमें होगी I²R2, इसमें होगी I²R3। अगर तू ध्यान से सोचे ना, तो जिसका आर सबसे ज्यादा होगा उसमें पावर सबसे ज्यादा। अब इसमें देख, सबसे ज्यादा आर किसमें? पावर इक्वल्स टू V²R और R इक्वल्स टू V²P। तो V सब में सेम है, जिसकी पावर ज्यादा है उसका R, ध्यान से देखो तो ये R1, ये R2, ये R3, एंड R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? 25। क्या सर, कभी V² बयान लगा लिया, कभी I² बयान लगा लिया, हमें क्या पता? कॉमन सेंस, ये जब माना गया है तो ये माना गया कि आपने 220 वोल्ट की सप्लाई, तो आप V² बयान लगाओगे। पर आपने घर पे गधों की तरह जोड़ लिया, इसलिए आपको I²R लगाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, क्योंकि इनमें क्या सेम है? आई। अरे भाई हाँ ना बोल। पर इनमें क्या चीज कॉमन है? आर। क्या कॉमन है? तुम्हारे प्राण प्रखेरु। अगर ऐसे जोड़ दोगे तो 25 वॉट वाला सबसे ज्यादा चमकेगा। कौन सा सबसे ज्यादा चमकेगा? 25 वॉट वाला। कौन चमकेगा? 25 वॉट वाला सबसे ज्यादा चमकेगा। कंफ्यूज मत हो, उतार लो, कुछ समझ नहीं आया भेजे पूछो। अच्छा इन्हीं तीनों बल्ब को पैरेलल में जोड़ देते तो कौन चमकता? कौन चमकता? अरे हमारे घर में ऐसे तो जोड़ते हैं यार, तब तो क्या सब पे 220 हो जाता, सब पे 220 हो जाता। तो सबसे ज्यादा चमकता P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, ये तो कॉमन सेंस है। अच्छा
तो उन्हें बोला अच्छा सर ने ऐसा करा, सीरीज में साला ये लफड़ा होता है, तूने क्या करा, बल्ब खरीदे दो 100 वाट और 220 वोल्ट और वही 50 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है ना बात आई, ठीक है। ये क्यों लड़ रही तुम दोनों, तलवारें ले आऊं, ये अपना अलग ही खेल रही है। हाँ पीछे वाले जाके कई लोग, अब उनके काम की बात हुई भाई। हाँ बोलो चमका, कुछ और एक आध छोटे सवाल फिर तो बल्बों को सीरीज में जोड़ो, करवा जोड़ो, क्या पिक्चर क्लियर है? इधर यूएस और इधर अगर कोई दिक्कत नहीं है, इधर सुन, तू बल्ब खरीदे तूने 100 वाट 220 वोल्ट 50 वाट 220 वोल्ट, तूने वही सीरीज में जोड़ दी, किसी ने बोला बे सीरीज में थोड़ी होता है, सबकी सप्लाई 220 वोल्ट 220 वोल्ट है, दोनों तरह जोड़ लिया, तूने बोला अच्छा अब कौन क्या करेगा, तूने बैटरी लगा दी 440 वोल्ट, तूने बोला एक बैटरी होती है इसमें अपन डबल कर लेते हैं, क्या दोनों अपनी फुल वोल्टेज से चलेंगे या एक के फूटने का खतरा है, या दोनों के फूटने का खतरा है, या दोनों के फूटने का खतरा नहीं है? फूटने का खतरा कब होता है? जब एक गिवन सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज आ जाए, अगर इसमें 200 वोल्ट की 220 की जगह 300 लगा दोगे तो क्या खतरा है? कम हो तो खतरा, हाँ वो उतनी वोल्टेज नहीं देगा जो उस पर लिखी हुई है, बट खतरा नहीं है। पर अगर जो उसकी हैसियत है उससे ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो खतरा है। क्या इसमें किसी के फूटने के चांसेस है या नहीं है? क्या देर आर इक्वल चांसेस ऑफ फूटना ऑफ बोथ? विच विल बस फर्स्ट 1 2 1 2 किसके फूसने का खतरा ज्यादा है? ये प्लस माइनस वी वन, ये प्लस माइनस वी टू, वी वन इक्वल टू आई आर वन और वी टू इक्वल टू आई आर टू, क्या वी वन प्लस वी टू इक्वल टू 440 वोल्ट? अब ध्यान समझना, ये आर वन ये आर टू, आर वन इज वी स्क्वायर बाई पी टू, दिस इज वी स्क्वायर बाई पी वन, पी वन इज, तो क्या आर टू ग्रेटर देन आर वन? R2 greater than R1. If R2 greater than R1, क्या V2 greater than V1? तुम्हें दूर दूर तक समझ तुम्हें नहीं आया? तो पोटेंशियल अक्रॉस 50 वॉट बल्ब इज ग्रेटर देन V1। अब अगर दोनों बराबर होते तो 220 220 होते, पर V2 V1 से ज्यादा है तो क्या V2 220 से ज्यादा है और V1 220 से? तो V2 is greater than 220, तो कौन फूटेगा? तो कौन फूटेगा? तुम्हारे प्राण प्रखेरू। छोटे छोटे सवाल है पर कॉमन सेंस के हैं, छोटे छोटे सवाल है पर कॉमन सेंस के, ऐसा नहीं है? तुम्हें मेरी बात समझ, इसलिए ऐसे नहीं सीरीज में जोड़ दे 440 लेते, बराबर थोड़ी डिवाइड होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल तो अलग अलग डिवाइड होता है, वो तो रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंसेस। और आइए इसमें बल्ब वाले में और कैसे सवाल आते हैं, ऐसे ना सेम बल्ब वाले आते हैं, मान लो तू एक दुकान में गया, बहुत सारे बल्ब खरीद लाया और सब सेम है, एक ही कंपनी एक ही वोल्टेज सब कुछ सेम, ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ऑल बल्ब्स आर, सारे बल्ब आइडेंटिकल, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मैं एक करा देता हूं तुम्हें बात समझना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मान लो ऐसे सवाल दिया जाए कि ऐसे बैटरी है और ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, पहला बल्ब यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ,
1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या? अच्छा 1, 2, 3, 4 अच्छा गेट ऑन द डांस फ्लोर, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। साले भिखारी कहीं डांस करने को बोल देना, साले मुजरा करेंगे लोग। हाँ ना बोल यार, क्यों भाई डिलीवरी बॉय, ये एक तो ना सुनो, ये ऑटो टेम्पो की तरह नहीं, जस्ट लाइक वी हैव अ स्टैंडर्ड। मतलब तुम ऐसे भेड़ बग, मतलब उसके ऑटो टेम्पो की तरह चला रहे हो, किसी के घर खुशी आने वाली है तुम चले ऐसे। ब्राइटनेस अगर अपन बात करें तो सिंपल ब्राइटनेस क्या है, आई क्या सारे बल्ब सेम है तो आर सेम है, क्या सेम है आर सबका सेम है, तो पावर ऐसे समझ लीजिए आई स्क्वायर आर, क्या समझ लीजिए। अब जहां पे करंट सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे ज्यादा, मुझे लगा तो मैं ऐसे जेई कई बार सवाल पूछ चुकी है, मतलब समझ लो कि पिछले 20 साल में दो एक या दो बार तो आ चुका है ऐसा सवाल, इसमें कोई खास बात क्या कह रहा है। तो दो बार आ गया कम बात है क्या, पूरी काइनेमेटिक्स तुमने कितने दिन पढ़ी, साले कितने से सवाल आता है उसमें, पिछले 3 साल से कोई सवाल ही नहीं आ रहा, वो कंस्ट्रेंट तुमने कितने पढ़ा, अपना ज्ञान बांटना है तुम्हें। गेट ऑन द डांस फ्लोर टू डिलीवरी बॉय, 1, 2, 3, 4, 5 आज से इसका नाम। अच्छा डिलीवरी बॉय बोलेंगे तो किसी को शक भी, और अपने को बताओ 1, 2, 3, 4, 5 कोई बुराई, हमें समझ में आता है कि सबकी रेजिस्टेंसेस सेम है, तो पावर है आई स्क्वायर आर, क्या है आई स्क्वायर आर। अब लॉजिकल है कि अगर यहां से करंट आई निकला तो क्या सबसे ज्यादा करंट इसी में ही है, बाकी तो फिर डिवाइड हो रही है, बाकी तो फिर डिवाइड, मुझे लगा ही तुम्हें आया। अब ध्यान दे यहां से करंट आई आया कितना आया आई, अब सोच अगर ये आर और आर है तो ये कितना है टू आर, कितना है कितना है ये टू आर, और ये आर और आर आर बाई टू, और ये आर क्या 1.5 आर, ये 2R, ये 1.5R, ये 2R और ये बेसिकली इसमें कुछ पावर नहीं है, आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए, करंट डिवाइड करना आता है कि नहीं आता, मैं कह रहा हूं कि दिस सर्किट इज इक्वल टू दिस, यस और नो। अब तू बता सकता है करंट कहां ज्यादा कहां कम, जहां करंट ज्यादा वहां पावर ज्यादा, जहां करंट कम वहां। अगर यहां से करंट आई निकला तो लॉजिकल बात है यहां पे उसको दो हिस्से मिले 1.5R और 2R, अरे नहीं आया, यहां पे मान लो करंट I1, यहां पे मान लो I2, हालांकि तुम्हें समझ में आता है फिर भी I1:I2 अगर अपन निकाल लें तो I1:I2 is 1/2R = 1/3R/2, अरे हां ना बोल, कितना से मल्टीप्लाई करूं अच्छा रेशियो आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 3:4, 3:4, अरे नहीं आया। तो I1 की वैल्यू बेसिकली कितनी आई, I1 की वैल्यू आई 3/7I, और I2 की 4/7I, अरे हाँ ना बोल, इस 4/7I में से भी ध्यान से देख तो यहां करंट कितना गया 3I/7, और यहां कितना गया 4I/7, क्या उसका आधा यहां गया 2I/7, 2I/7, क्या तू पावर लिख सकता है, देख पावर सबसे ज्यादा P1 में, उसके बाद P4 में, उसके बाद क्या P3 और P2 में बराबर, अरे नहीं आया, उसके बाद P5 और P6, तुम्हें दूर दूर तक समझ, क्या बल्ब वाले सवाल समझ आए हैं क्या, प्राण पखेरु उड़ गए हैं, अरे हाँ ना बोल। अगले टाइम फिर मिलते हैं, यानी कि कल मिलते हैं 7:20 पे, आपकी क्लासे अरेंज कर दी जाएंगी, आना 2:20 पे ही है, okay. है ना, मेरी साथ में लग जाएगी एक साथ, है ना, बेसिक बेसिक चर्चा है, तो अपन कल फिर मिलते हैं कितनी बजे 7:20 पे।